हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेस बाय एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे उसका नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। तो सबको पता है कि वृत्त जो है एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, काफ़ी वेटेज है वृत्त का। और सरल रेखा दो तीन चैप्टर हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले आज हम क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट है, क्या क्या वर्ड यूज होने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ना भूले कि हाँ उभयनिष्ठ रेखा क्या होगी, छेदन रेखा क्या होगी, चक्री चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, चाहे जो भी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सीख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग रेडी, और जितने लोग देख रहे हैं ग्रुप में शेयर कर लीजिए ताकि सभी दोस्त क्या है फटाफट से ज्वाइन हो जाए। तो आइए हम थोड़ा सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल क्या है, इसके डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त क्या है, वृत्त क्या है, देखते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं। तो हाँ, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। जो लोग रेगुलर है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, इसलिए करना पड़ता है, लेकिन अब क्लासेस आपकी रेगुलर है। चलिए हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो सभी लोग रेडी हैं सीखने के लिए, देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं। हाँ, विकास पटेल जी हाय बोल रहे हैं, मनीष गौतम जी, पंकज कुमार, हाँ सबको मेरे तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग है दोस्तों, बहुत अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो सभी लोग रेडी है, बहुत ही, देखिए ये आज की क्लास समझ लीजिए प्रीमियम क्लास है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप शायद ही कहीं खोज पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। और इसकी गारंटी है, जिसको भी वृत्त में प्रॉब्लम हो रहा था वो बिल्कुल अच्छे से सीख लेगा, आज के बाद उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, शशिकांत जी, अयुब अली, हिमांशु गुप्ता, उमा शंकर जी बोल रहे, ओके, हाँ हाँ, लर्न एनीथिंग बोल रहे हैं सर, क्लास टेंथ का स्टार्ट कीजिए। तो ये क्लास टेंथ क्या ही एक चैप्टर है, वृत्त क्लास टेंथ में होता है। तो आप लोग क्या, हम टेंथ स्टैंडर्ड की चीज़ें सीख रहे हैं, इलेवेंथ में अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हैं या किसी पुलिस के लिए फॉर्म भरे हैं या पॉलिटेक्निक का ही, IIT का ही फॉर्म भरे, तो ये आपको बहुत काम देगा। तो सभी लोग चलिए रेडी रहिए, अब ध्यान दीजिए मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और सभी पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ रेखा क्या होती है, दो वृत्त होते हैं पास पास में, तो कितने उभयनिष्ठ रेखाएं पूछ लेती हैं, वृत्त है उसके अंदर चक्री चतुर्भुज कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदन रेखा क्या होती है, दीर्घ लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, तो सारी चीज़ें सीखेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ अनामिका जी बोल रही है सर, चलिए सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आर्या सिंह, देव अनुरागी जी जी जुड़ चुके हैं, तो सबको वेलकम है। देखिए तो वृत्त क्या है, तो वृत्त पहली बात एक 2D डायमेंशनल यानी 2D डायमेंशन वाली क्या है, फिगर है। तो वृत्त तो सबको पता है कि ऐसे ही होता है, यही है वृत्त, लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा, कोई पूछेगा कि वृत्त किसको कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे किसी बिंदु के, किसी पॉइंट के चारों तरफ एक नियत दूरी पर, मतलब इसके नियत दूरी ले लीजिए, चारों तरफ एक नियत दूरी, मतलब जितनी दूरी इधर हो उतनी इधर हो, उतनी इधर हो उतनी उधर, एक समान दूरी अगर पे एक रेखा या लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इसके परितः घूम लिया जाए, एक राउंड कर लिया जाए, तो जो फिगर बन के आती है इसी को हम लोग बोलेंगे वृत्त, ठीक है। तो किसी समतल में स्थित बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। तो वृत्त एक ड्रॉ कर लीजिए ताकि चीजें आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिए वृत्त है, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको यूज करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा तो आप लोग प्रॉब्लम में आएंगे। तो पहले सीख लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ अंकित मौर्य जी बोल रहे हैं, बिहार से हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सोमेश सिंह पूछ रहे हैं कि गोला क्या है, तो गोला क्या है, एक सॉलिड बॉडी है,
थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये टू डायमेंशनल है, 2D, जैसे हम लोग नहीं बोलते 2D, 3D, तो गोला जो है थ्री डायमेंशनल फिगर है और ये हाँ 2D, ठीक है। और गोला सॉलिड होता है, ये खोखला होता है, पहली बात, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यूज होने वाला है क्या, सबको पता है। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है कि वृत्त किसको बोलते हैं, पॉइंट वाइज वृत्त हम लोग सीख लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे हम लोग, हाँ दूसरे पॉइंट में सीखेंगे कि केंद्र क्या होता है, सेंटर, केंद्र किसको बोलते हैं। तो जिस बिंदु के चारों तरफ हम बिंदु पथ लोकस खींचते हैं, इस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर या केंद्र। इसको आप सी से दिखा दीजिए, ओ से दिखा दीजिए, ओ फॉर ओरिजिन। तो जिस बिंदु को हम लोग बोलते हैं, जिस बिंदु के चारों तरफ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, बिंदु पथ खींचते हैं, उसको ही सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे केंद्र क्या है, सी है, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग से सबको पता है, हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि कोई जिंदगी में पहली बार भी पढ़ा हो उसको भी समझ में आएगा। हाँ चलिए, हिमांशु पीके हो गया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए, केंद्र सबको पता हो गया, ये आपको पता होगा, लेकिन मुझे पता है ये बात, लेकिन अभी आगे जो चीज़ें आएंगी आप उसमें थोड़ा सा सीखेंगे नई चीज़ें। तीसरी चीज़ हम लोग क्या सीखेंगे, परिधि। परिधि किसको बोलते हैं, तो सबको पता है कि केंद्र के चारों तरफ या सर्कुलर मोशन में जो लाइन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। सबको क्लियर है ना परिधि, हाँ। तो परिधि के हम लोग लिख सकते हैं व्यास गुणे पाई, व्यास में अगर पाई से गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही परिधि की वैल्यू आएगी, ये फार्मूला है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और या तो व्यास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, यानी कि 2R व्यास की वैल्यू होती है, और पाई जब निकाल देंगे तो 2πr हो जाता है। तो इस तरह से परिधि कितनी हो गई वृत्त की, 2πr। यहाँ सबको क्लियर है कि क्वेश्चन में देगा कि एक वृत्त की परिधि इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो परिधि क्षेत्रफल का कितने परसेंट अधिक है, तो क्वेश्चन बनेंगे ये सबको पता है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। हाँ आदित्य जी बोल रहे हैं, यस सर, हाँ परिधि को इंग्लिश में सर्कुमफेरेंस बोलते हैं, हाँ। चलिए अब सुनिए, अब तीन पॉइंट आप लोग सीखे ना, चौथी पॉइंट, अब इसमें त्रिज्या का यूज हो गया है, रेडियस का, तो इसको भी जान लीजिए कि क्या होता है त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या वह लंबाई होती है जो केंद्र से मैक्सिमम दूरी होती है परिधि की, केंद्र से अधिकतम दूरी या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। अगर ये पॉइंट हम लोग डी ले लें तो सी डी क्या है, त्रिज्या है, इसको आप त्रिज्या लिख सकते हैं या तो आर लिख सकते हैं, आर फॉर रेडियस। तो त्रिज्या क्या हुई या रेडियस क्या हुआ, सी डी। फिगर में आप लोग क्या कीजिएगा, एक फिगर बना लीजिए, एक ही फिगर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और वहीं पे सारी चीज़ें लिख लेंगे तो पूरे लाइफ के लिए आपके काम देगा। ऐसा नहीं कि आप केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बाद में काम नहीं होगा, अच्छे से नोट्स बना के लिखे रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आपको पूरे लाइफ ये काम देने वाला है, ठीक है जी। देव अनुरागी जी बोल रहे हैं, जी सर, तो ये तो जो मैं बताऊँगा आज सब लोग उसको नोट कर लेंगे, पूरे लाइफ मैंने बोला है काम देगा तो काम देगा, पर मैं सारे पढ़ेंगे हम लोग पहले छोटी छोटी चीज़ें। तो त्रिज्या क्या हो गई, सी डी, जी बिल्कुल। अब त्रिज्या की बात हो गई तो जीवा की भी बात कर लेते हैं, जीवा, ये सब वर्ड यूज होते हैं। तो जीवा क्या होती है, जीवा वह रेखा होती है या लंबाई होती है जो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु को क्रॉस करती है। जैसे मान लेते हैं वृत्त की परिधि है, यहाँ एक बिंदु है P और यहाँ पे बिंदु है K, तो वृत्त के परिधि को किन्हीं दो बिंदु के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। सबको क्लियर है, तो जीवा क्या हुआ, जीवा यहाँ पे क्या है, P और K, ये कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये हो गई जीवा, ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ हाँ सभी लोग लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जीवा सबको क्लियर है ना? हाँ चलिए जीवा क्लियर है, तो अब यहीं पे एक पॉइंट और सीख लेते हैं कि व्यास क्या होता है। व्यास यानी कि डायमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्यास क्या होता है। तो व्यास की बात अगर कहा जाए तो व्यास भी एक तरह की जीवा ही है। व्यास जो है वो भी एक तरह की जीवा ही है, लेकिन यह ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या है, L है, तो यहाँ पे पॉइंट M होगा। तो L M क्या है, यही है व्यास, ठीक है। L M क्या है, आपका व्यास है। देखिए तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको कि ये हमें पता है कि केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि R। यहाँ भी केंद्र से परिधि की दूरी है, त्रिज्या इसको भी बोल सकते हैं R, यानी कि ये लंबाई R और ये R, 2R हुआ ना। तो हम लोग व्यास को क्या लिख सकते हैं, व्यास को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2 × त्रिज्या लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से चीज़ें आती हैं, या तो 2R लिख लीजिए, 2 रेडियस, ठीक है। LM क्या है, आपका व्यास है। ये जरूरी नहीं कि यहीं से हो, कहीं से भी हो, लेकिन ये लाइन ये सेंटर से होके गुजरनी चाहिए। हाँ 2 रेडियस बोल रहे हैं विमलेश कुमार जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आप लोग को पता है। अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आप लोग को मिलेंगी, यहाँ तक तो सबको पता होगा जी, बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा जो लोग देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, व्यास हो गया, जीवा हो गया, त्रिज्या हो गया, परिधि। इसी तरह आप लोग फिगर बना के साइड में केवल पॉइंट लिख लेंगे कि पी के क्या है, व्यास है। इससे क्या होगा, जब फ्यूचर में कभी भी 2 साल बाद भी आप केवल ये फिगर देख लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ चलिए अब आती है, इसको हम इरेज करूँगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे का टॉपिक, जो कि अब आपको डायरेक्ट यूज होने वाला है क्वेश्चन में। हाँ आयु बोली जी बोल रहे हैं व्यास इक्वल टू 2 × त्रिज्या, बहुत अच्छी बात है। तो सबको पता है हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं पहले, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप सीख लीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए, समय दीजिए, क्योंकि बिना सीखे वो लोग गलती करते हैं जो सोचते हैं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें सीख लें या हम वही पढ़ें जो कठिन है। तो पहले आसान चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जब बेस आपका मजबूत हो जाएगा तब क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो नहीं आता है तो आप इधर उधर बुक पलटते हैं, फार्मूले देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक खोजने लगते हैं, तो वहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा जब आपको बेस पता रहेगा। हाँ यश जी बोल रहे हैं गुरु जी परिधि को एक बार और बता दो। चलिए तो परिधि हमने क्या बोला था, ये जो बिंदु पथ होता है केंद्र से जो आउटर वाला सरफेस होता है इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2πr, 2πr, या तो पाई को बाद में रख लीजिए, 2rπ लिखिए। 2r क्यों लिखे, 2r को हम लोग लिख सकते हैं क्या, व्यास। तो व्यास गुणे पाई को भी हम लोग बोल सकते हैं परिधि, यहाँ क्लियर है, ठीक है। यहाँ इसका यूज होगा, फार्मूले में यूज हो जाता है इसका जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी कि चाप क्या होता है। हाँ चलिए चाप क्या होता है, सबने सुना होगा कि इतने एंगल का चाप ले लो, आप लोग भी चाप लेके कट किए होंगे, तो चाप क्या होता है, 7वां पॉइंट कि चाप क्या होता है। सबने प्रकाल का यूज किया होगा, कंपास का यूज किया होगा, चाप लेके क्या किया होगा, एक सर्कल ड्रा कर दिया होगा। तो चाप क्या होता है, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चाप, ठीक है। तो चाप यहाँ पे क्या हो गया, ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
कि यह एक चाप है, या तो एक बिंदु यहाँ पे भी ले लीजिए, सी ले लीजिए, सी पॉइंट। तो सी से बी की जो दूरी है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी चाप है, ठीक है। और अगर सी से ए के बीच की दूरी को भी बात किए तो ये भी एक चाप है, ठीक है, क्लियर है ना। चीज़ें समझते रहिए कि कैसे कैसे होता है। अभी हम लोग एंगल में धीरे धीरे एडवांस चीज़ें सीखेंगे। हाँ हाँ, आदित्य जी बोल रहे हैं कि चाप इक्वल टू कोण अपॉन त्रिज्या। जी बिल्कुल, चाप सबको क्लियर है। अनामिका जी बोल रही है सर, चलिए अच्छी बात है अनामिका, आपको समझ में आ रहा है तो। हाँ तो अब चाप अंश की माप बात करते हैं कि चाप अंश क्या होता है। चाप का अंश यानी कि डिग्री में वैल्यू, एंगल में वैल्यू कि कितने एंगल का है। तो ये जो देखिए, चाप से जो एंगल बनता है सेंटर पे, अगर ए और बी पॉइंट है तो ये क्या करेगा, सेंटर पे कुछ ना कुछ अगर इसको मिला देते हैं, सेंटर पे इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक कोण बनेगा, इसी कोण को बोलते हैं हम लोग चाप अंश। तो चाप वृत्त के सेंटर पे या केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चाप अंश, ठीक है। तो आठवां पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, चाप का अंश या चाप अंश, ठीक है। तो चाप अंश क्या हुआ, बी यहाँ वो लिख लीजिए, बी ओ ए या ए ओ बी क्या है, चाप अंश है, ए ओ बी, क्लियर सबको। देखिए अब नई नई चीजें आएंगी, यहां से तो शुरुआत होना है, ठीक है। हाँ देवन रागी जी बोले पूरा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बोला, कठिन तब लगेगा, हार्ड आपको तब लगेगा जब आप छोटी चीजों को नहीं जानते रहेंगे। अगर आ रहा है आपको तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद तो मजा ही मजा है। जो आ रहा है उसको भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि आ रहा है तो छोड़ लीजिए, आ रहा है तो और क्लियर कर लीजिए, कुछ तो नया मिलेगा। चलिए अब वृत्तखंड की बात करते हैं हम। वृत्तखंड की सबने नाम सुना होगा कि वृत्तखंड होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो ये क्या है सर, किसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, किसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो देखिए अगर कोई वृत्त है सर्कल है, उसको बाहर से कोई रेखा क्या करे, छेदती हुई चली जाए, क्रॉस कर दे, ठीक है। अगर ये इसको क्रॉस करके जा रही है तो इस सर्कल को, इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देगी, एक तो ये नीचे वाला, ये वाला भाग, और एक ऊपर वाला। तो ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, जो बड़ा है उसको दीर्घ, और जो छोटा है ये वाला, यहाँ से ये वाली जो खंड होगा, दो भागों में खंडित हुआ है ना, तो जो छोटी वाली खंड होगी उसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड। सबने नाम सुना होगा लेकिन एक एक चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अगर नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये सेंटर ओ है और ये पॉइंट ए है, ये बी है, और यहाँ पे पॉइंट एक्स ले ले, चलिए यहाँ पे पॉइंट एम ले लेते हैं और यहाँ पे एन ले लेते हैं। तो ए एम बी ए वृत्तखंड, क्या वृत्तखंड। तो सबने समझ गया कि कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के वृत्तखंड, दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, लघु वृत्तखंड। देखिए क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ मतलब बड़ा, सबने पढ़ा होगा कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी जिसको बहुत बड़े में आंसर देना होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं ना, तो इसी तरह दीर्घ वृत्तखंड, ओके। तो लघु वृत्तखंड क्या है इसमें, तो सब बता सकते हैं कि ए एम बी और ए, ये वाला जो खंड बन रहा है, यानी कि ए एम बी और वापस ए पे आ जाइए, तो ए से एम से होते हुए गए, ये वाला जो वृत्तखंड है ये लघु वृत्तखंड है। और इसी तरह दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ए से गए एम तक गए, फिर बी पे गए, फिर ए पे आ गए, तो ये जो ऊपर वाला खंड है इसको हम लोग बोल सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड।
तो ए एन बी और ए, ये क्या है दीर्घ वृत्तखंड। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ उमा शंकर जी कह रहे सर बड़ा लिखिए। चलिए अच्छा फिर समझ लीजिए, अब आपको और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट एम है और यहाँ पे पॉइंट एन है, ठीक है, ए और बी है। तो ये और नोट्स इसी तरह आप लोग बनाइएगा, केवल फिगर बनाइएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि कैसे दीर्घ वृत्त खंड हुआ है, कैसे लघु वृत्त खंड है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ आर्यस जी, अनामिका जी, नितेश कुमार, देव अनुरागी। चलिए देव अनुरागी जी बोल रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल देव अनुरागी जी बता दे रहा हूँ। देखिए वृत्त खंड क्या होता है, किसी भी वृत्त को जो रेखा जो लाइन दो भागों में डिवाइड कर दे, खंडित कर दे, तोड़ दे, वो जो दो भागों में डिवाइड होगा तो जरूरी है नहीं है कि वो बराबर बराबर भी हो, हो सकता है एक छोटा वाला भाग हो एक बड़ा वाला भाग हो। तो जो छोटा वाला भाग होता है, जैसे आपका मान लीजिए कोई पेंसिल है, पेंसिल है ना, पेंसिल, इससे आप पेंसिल से मान लीजिए लिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पेंसिल को मान लीजिए यहाँ से तोड़ देते हैं, तो यहाँ का भाग अलग हो गया, यहाँ का भाग अलग हो गया। तो बीच में से अगर आपकी पेंसिल कैंसिल हो गई, टूट गई, खंडित हो गई, तो आप क्या बोलेंगे कि ये लघु खंड है और ये दीर्घ खंड है, ठीक है, तो ये लघु भाग है और ये दीर्घ। तो इसी तरह सेम यही है, जो छोटा वाला एरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्त खंड और जो बड़ा वाला है दीर्घ वृत्त खंड। अब समझ आया? हाँ सौरभ सर जी कह रहे हैं कि सर आप ग्रुप डी की तैयारी कराते हैं क्या? जी बिल्कुल, ग्रुप डी हो रेलवे हो, तो सबको पता चल गया है कि हमारा और विकास सर जी का रेलवे में जॉब लग चुकी थी, लोको पायलट हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी अभी ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास सर या हम लोग अभी कम एज है पढ़ा रहे हैं तो बेरोजगार कोई नहीं है, सबके अंदर पावर है क्वालिफाई करने का और कर भी चुका है, लेकिन अपना अपना शौक होता है, अपनी बिजनेस होती है, कुछ करने का नया करने का होता है ना, तो बस वही बात है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप ये जानिए कि क्लास टेंथ लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होगा, टीचर का होगा, पुलिस का होगा, रेलवे का होगा, एसएससी का, बैंक का, आपके लिए ये काम देगा। तब आपको याद होगा कि सर ने जो लिखवाया था अगर उसको एक पेज में हम लिखे होते तो आज वो काम देता। तो मैंने क्या बोला, एक पेज में सारी चीज़ें लगभग आपको आ जाएंगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। हाँ अयुब अली जी कह रहे हैं लघु पेंसिल खंड और दीर्घ पेंसिल खंड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चलिए ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं नया नेक्स्ट चक्री चतुर्भुज। दसवां पॉइंट हम लोग क्या सीखेंगे, चक्री चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, क्या, चक्रीय चतुर्भुज। तो चतुर्भुज तो सबने जाना होगा, तो चक्री चतुर्भुज क्या होता है, कोई बताएगा क्या चक्री को पता है? हाँ चलिए बताइए, अगर किसी को पता है कि चक्री चतुर्भुज क्या होता है तो। मनीष जी करे 180। हाँ उज्ज्वल तिवारी जी करे सर अगर दो डिफरेंट जीवा इक्वल हो तो वे इक्वल कैप्स काटेंगे। जी बिल्कुल। हाँ सृजन सृजन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो सर्कल के अंदर बनता है, बिल्कुल, जो परिधि से होकर जाता है, जिसके चारों कोने सर्कल पे हो, उसे चक्री चतुर्भुज। सोमेश सिंह ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है कि चक्री चतुर्भुज का जो जो चतुर्भुज वृत्त के परिधि पर स्थित हो या जिसके बिंदु क्या हो वृत्त के परिधि पर हो। सबको पता है कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे ही तो कुछ होगा, मान लेते हैं इस हिसाब से चतुर्भुज है, लेकिन इसके ए बी सी और डी अगर कोई पॉइंट है ए बी सी और डी, तो जैसा कि हाँ सोमेश सिंह ने बोला कि जिसके चारों कोने, तो चार कोने हुए ना ए बी सी डी, ये क्या हो, ये वृत्त के परिधि पर हो, यानी कि ए पॉइंट हो सकता है यहाँ पे हो, चलिए ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं,
और ये सी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ कहीं डी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी और डी, तो ये भी एक चतुर्भुज ही है, ए बी सी और डी। ये जो फिगर बन रहा है, अभी वृत्त को मत देखिए कि वृत्त है बाहर की नहीं है, केवल अंदर देखिए, ये जो बना है फिगर इस हिसाब से, हाँ इसको देखिए, ये क्या है, ए बी सी और डी, ये एक चतुर्भुज है, ये केवल एक नॉर्मल चतुर्भुज है, लेकिन यही चतुर्भुज उठा के हम लोग अगर इसमें रख दें वृत्त के अंदर, जिसको चारों कोने क्या हों, चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि पर हों, तो उसी को हम लोग बोलेंगे चक्री चतुर्भुज। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, सबको समझ में आया, समझ में आ गया ना, तो इस सकते हैं चक्री चतुर्भुज क्या है, आप बोल दीजिए कि ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, सबको क्लियर है। हाँ नीतेश नीलेश जी बोले यस सर, विकास पटेल फिजिक्स 8 बजे और केमिस्ट्री 3 बजे, जी बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, अगर जिसको क्लास की टाइमिंग नहीं पता है और सबको पता है कि सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो, सिंगल चैनल यानी कि रेसवा एकेडमी पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली मिलेंगी, चाहे आपका कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्रैक्टिस सेट कराना हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे मॉडल पेपर कराना हो, चाहे वीकली टेस्ट हो, सारी चीज़ें आपको जितनी ज़रूरत होंगी, जिसके लिए आप अच्छी खासी क्या करते हैं पेमेंट करके जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग फ्री में देते हैं। तो जिसको नहीं पता है जान लीजिए कि सभी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको क्या करना है, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको जो प्रॉब्लम आती है पूछिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ये सब सारी क्लासों का PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, और आज की जो क्लास है सर्कल इसका भी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसको सेव कर लीजिएगा। और आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी फ्रेंड होंगे, सबको आप लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे कि ये लो भाई अच्छे से रख लो, देख लो, और हमेशा काम देगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पढ़ते समय तो समझ में आ जाता है, ये सबको पता है कि हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, पता था, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन करना होता है, तो यार चक्री चतुर्भुज क्या होता है, एकांतर खंड क्या होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हमने इसीलिए कहा ना, नोट्स बना के लिख लीजिए, लिखे रहेंगे तो आपको 1 साल 2 साल बाद जब भी जरूरत होगी, केवल एक नज़र डाल लेंगे उस पेज पे, तो सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाएंगी। हाँ सोमेश सिंह करें सर, टेलीग्राम में होमवर्क कब देते हैं, तो टेलीग्राम में होमवर्क नहीं दिया जाता, होमवर्क क्लास में ही मिलता है, और जो होमवर्क मिलेगा आप लोग को, जो होमवर्क मिलेगा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो वीडियो के लास्ट में दिया जाता है, और आपको उसका आंसर कमेंट करके वीडियो के नीचे ही बताना रहता है, ठीक है। और जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब होमवर्क दूंगा, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं, अब देखिए और एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। सबने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ आर्या जी कह रही हैं कि मैं नोट्स बनाई हूँ, तो बहुत अच्छी बात है आर्या जी। हाँ त्रिज्य खंड को बता रहा हूँ जी, बिल्कुल। चलिए और इससे पहले एक चीज़ और, 11वां पॉइंट, 10 के बाद 11वां, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो ये तो सबको पता है, फिर भी लिखे रहिए। क्यों लिखे रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह जब रखे रहेंगे तो वृत्त से कुछ भी पूछेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वह रेखा जो वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हुए गुजरती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ए भी क्या है, स्पर्श रेखा है, सबको समझ में आ गया, जो रेखा वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए मतलब छूते हुए निकल जाए, इसको अंदर ना जाए, इसको क्रॉस ना करे, वो स्पर्श रेखा होगी। देखिए सभी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके रखिए, जैसे किसी को अगर मान लीजिए कुछ बनाना है किचन में, तो नमक किसी और रूम में रखा है, प्याज किसी और रूम में रखा है, ऑयल कहीं और है, तो बनाना होगा तो क्या होगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, समय लगेगा। जब सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, एक जगह आपने रखे रहेंगे, तो क्या होगा, कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस होता है। हाँ अंकित मौर्य जी कह रहे हैं सर मैं कल से स्टार्ट किया हूँ नोट्स बनाना, जी बिल्कुल। और ट्रिग्नोमेट्री का चाहे जो भी हो,
कहे ना इतना आसान चीजें दे दूंगा आपको, हमेशा आ जाएगा। हिमांशु गुप्ता जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ जी बिल्कुल। चलिए तो जितने लोग देख रहे हैं ना एक बार अभी लाइक कर लीजिए, फिर आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। सभी लोग लाइक कर लीजिए जितने लोग देख रहे हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप मुझे। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट। एक एक चीज़ें बिल्कुल प्यार से समझेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, मैथ को एकदम अपना फ्रेंड बना लेना है, दोस्त बना लेना है, कि वो कभी भी लाइफ में आपके साथ गद्दारी ना करे, धोखा ना दे पाए, जब भी आपकी जरूरत हो आपको हेल्प करे, आपको नंबर गेन करा के ही जाए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे एकांतर वृत्त खंड और बाह्य वृत्त खंड। चलिए पहले एकांतर वृत्त खंड पढ़ते हैं। क्या अगला पॉइंट, 12वां टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? वृत्त खंड या एकांतर वृत्त खंड। एकांतर वृत्त खंड, अब ये क्या होता है किसी को पता है क्या? वृत्त खंड कम नाम है तो वृत्त तो होगा ही होगा, सबको पता है। और कैसा वृत्त होगा? हाँ कैसा वृत्त होगा, वृत्त खंड तो है ही। सर सब खत्म हो गई, मेरे पास बहुत कोर कॉपी है जी। बिल्कुल कॉपी है, नहीं है तो कहीं पे भी स्क्रीन शॉट लेते रहिए, सेव करते रहिए, डाटा सेव करे रहेंगे तो कभी ना कभी काम देगा जी बिल्कुल। चलिए एकांतर वृत्त खंड हम आपको बता देते हैं क्या होता है। हाँ तो होता क्या है एकांतर वृत्त खंड में, ये तो वृत्त है, इसका सेंटर होगा, मान लेते वो सेंटर है, तो इसके परिधि से अगर कोई रेखा स्पर्श करते हुई गुजरती है, चलिए ये स्पर्श नहीं किया, इसको और क्या करते हैं टच कराते हुए ले चलते हैं, स्पर्श रेखा। अगर ये रेखा ए बी है तो हम लोग सीखने जा रहे हैं एकांतर वृत्त खंड क्या होता है। ठीक है, तो एकांतर वृत्त खंड क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे जी। हाँ हिमांशु जी कह रहे कॉपी बहुत महंगी मिलती है, तो कॉपी महंगी मिलती है तो कोचिंग में जाएंगे तो आपको पैसा भी पे करना होगा, उसी पैसे से आप लोग कॉपी पेन खरीदिए और उसका यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें बेहतरीन मिलेंगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए एकांतर वृत्त खंड तो होता यूं है कि यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, जैसे एक लाइन अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर दें, अगर ये मान लेते हैं कि डी है, या एक जीवा मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट यन ले लीजिए, कि यन डी क्या है, एक तरह से जीवा ही है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है ना, तो ये जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं क्या, एकांतर वृत्त खंड। ठीक है, तो वृत्त को जो रेखा स्पर्श करती है, ठीक है, वृत्त को जो रेखा स्पर्श करती है उसको दो एंगल में, अगर वहाँ पे कोई भी जीवा ड्रॉ की गई हो जहाँ पे वो टच करती है, तो वहाँ से दो एंगल बनेंगे, तो एक एंगल इस साइड बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एकांतर वृत्त खंड, और एक इधर बनेगा, मान लेते इधर अल्फा बना, इधर क्या बनाए बीटा बनाए, तो ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, एकांतर वृत्त खंड है। तो यहाँ पे कितने एकांतर वृत्त खंड बने, यहाँ पे दो एकांतर वृत्त खंड बने हैं। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ देव अनुरागी जी कर लिए हैं सर, चलिए अच्छी बात है। तो दो एकांतर वृत्त खंड बनेंगे, एक इधर का एंगल बनेगा और एक इधर का। चलिए यहाँ पे अगर पॉइंट डी है और इधर हम पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, तो अल्फा का एकांतर, फिगर में बता सकता है कि अल्फा का एकांतर वृत्त खंड क्या है, ये जो अल्फा है
चलिए अब चल रहा है ना, हो जाता है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कैंसिल करके सभी लोग प्ले कर लेंगे। और जिसको आ रहा है वो बताइए, साउंड नहीं आ रहा है। अब देखिए एक बार कमेंट करके बताइए कि साउंड आ रहा है कि नहीं। जी फिर से कमेंट करके बताइए कि साउंड और नेटवर्क ओके है या नहीं, तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, अगर सारी चीज़ें ओके होंगी तो। हाँ आर्या जी बोल रहे हैं कि सब ठीक है। शिवम तोमर जी बोल रहे हैं ओके है सर। हाँ चलिए अच्छी बात है। तो हमने ये पूछा, यहाँ पे दो एंगल बना, एक अल्फा बना और एक बीटा बना है, तो आपको बताना है अल्फा का एकांतर वृत्तखंड क्या होगा। ये जो अल्फा है वृत्तखंड, इसका बताना है क्या होगा, वो भी एकांतर। चलिए आ रहा है तो नाम बताइए, ये पॉइंट एन है, डी है, पॉइंट है, इसी तरह बताइए। चलिए देखते हैं किसको आ रहा है। चलिए यहाँ पे पॉइंट एक और हम ले लेते हैं के, अगर इधर कहीं पे पी लिए हैं और यहाँ पे के पॉइंट ले लीजिए, तो हमें बताइए कि अल्फा का एकांतर वृत्तखंड क्या होगा, क्योंकि अल्फा का पता चल जाएगा तो आप बीटा का निकाल लेंगे। आपको बताना है दोस्तों एकांतर वृत्तखंड, हमने क्या बोला कि कोई वृत्त हो, इसको कोई बाह्य रेखा स्पर्श करती हुई जाए और जहां पे स्पर्श करे वहीं पे हम लोग एक जीवा खींच दे, तो इसमें दो एंगल बनेंगे, एक एंगल अल्फा होगा और एक एंगल बीटा होगा। ठीक यहाँ तक क्लियर है? तो अल्फा जो होगा इसको आपको बताना कि अल्फा का एकांतर वृत्तखंड क्या होगा। सृजन एंगल पी ए एन, एंगल पी ए एन, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पी ए एन आपने तो ये बोला पी ए एन, तो यहाँ का एंगल नहीं होगा। चलिए अब लोग शांत होके सुनिए, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। अगर अल्फा का एकांतर कोण पूछेगा, वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड हमने पहले ही बता दिया, एक वृत्तखंड इधर है, ये जो लघु है एक दीर्घ है, वही वाला कॉन्सेप्ट फिर लेके आइए। अगर अल्फा का पूछेगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला लेंगे, अल्फा का एकांतर वृत्तखंड पूछेगा तो इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि ये वाला जो बड़ा वाला वृत्तखंड है, यानी कि एन पी डी एन, ये वाला जो खंड बन रहा है, एन पी डी और एन, ठीक है, एन पी डी और फिर एन से आ जाइए। तो अल्फा का एकांतर वृत्तखंड क्या हुआ, एन पी डी और एन। सबको क्लियर है? हाँ अनामिका जी कह रहे हैं एन पी डी, जी बिल्कुल एन पी डी हुआ और वापस यहाँ आ जाएंगे। तो ये वाला जो ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है ये अल्फा का होगा। हाँ अब सही है बिल्कुल। इसी तरह बीटा का पूछेगा, अब बीटा का पूछेगा तो इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि ये वाला जो वृत्तखंड बना है एन डी के एन, छोटा वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए बीटा का एकांतर वृत्तखंड क्या होगा, बीटा का एकांतर वृत्तखंड, देखते हैं किसको समझ में आया। चलिए सभी लोग बताइए कि बीटा का एकांतर वृत्तखंड क्या होगा। हमने क्या बोला, उसके जस्ट अपोजिट लेते हैं, अल्फा का था तो हमने ये बड़ा वाला लघु दीर्घ वृत्तखंड लिए थे, बीटा का पूछा है तो लघु लेंगे, लेकिन उसका नाम बताना है। नवाब हुसैन जी बोल रहे हैं एन डी के एन, बहुत सही नवाब हुसैन जी का, बिल्कुल सही है। अनामिका जी का सही है, आर्या जी, प्रशांत पांडे, हाँ सबने, लगता है सबको समझ में आ गया। तो ये चीजें आप कभी मत भूलिएगा कि एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, इसीलिए वृत्तखंड हमने पहले बताया था कि एक लघु होगा एक दीर्घ होगा, अगर अल्फा का पूछेगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला बताएंगे, बीटा का पूछेगा तो जस्ट इसके अपोजिट। तो बीटा का क्या होगा, बीटा ये वाला एंगल पूछा है इधर का, तो हम इधर वाला वृत्तखंड ले लेंगे, यानी कि एन डी के और एन, वापस आ जाइए, तो एन डी के और एन। तो इस तरह से जब आप लिखे रहेंगे ना,
आप लिखे रहेंगे, डेफिनेशन नहीं भी पता रहेगा तो आपको पता है कि यन से गए डी पे, डी से आए के से, के पे आए फिर से यन से, तो ये वाला जो खंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीटा का। अब क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कि हाँ सर समझ में आया या नहीं। नहीं आएगा तो फिर से बता दूंगा, आ गया तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, चाहे वो जहाँ से भी पढ़ रहा हो। हाँ, और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को सभी लोग। हाँ, आर्या जी बोल रही है सर आ गया। महेंद्र कुमार जी बोल रही है सर। नवाब हुसैन, अनामिका जी बोल रही, सृजन त्रिपाठी, हाँ सृजन त्रिपाठी जी कह रहे हैं वंस अगेन। चलिए सृजन जी के लिए एक बार हम लोग और से ट्राई कर लेते हैं। देखिए एकांतर वृत्त खंड की बात करेगा, ठीक है, तो एकांतर वृत्त खंड क्या होता है फिर से सुन लीजिए। कोई एक वृत्त होगा, इसके बाह्य किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरेगी, जो कि हम लोग ए और बी लिए हैं, ठीक है, लिया, और जहां पे ये टच करेगी, जहां n मान लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे n जहां पे क्रॉस किया, यहां से कोई लाइन खींच देंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना। जीवा वह होती है जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है, तो एक भाग ये नीचे का हुआ ये वाला, और एक भाग ये ऊपर का हुआ, तो जो बड़ा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, इसके पहले बताया, और ये जो छोटा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्त खंड, ठीक है, लघु वृत्त खंड। तो हमको करना ये है, ये जो एंगल बना है, एक लेफ्ट साइड में एंगल बनेगा, एक राइट साइड में, तो अल्फा अगर इधर बना है तो अल्फा का अगर एकांतर वृत्त खंड बात करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इसके जस्ट पीछे जो होगा, यानी कि बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड, यही है उसका होगा एकांतर कोण। तो क्या हमने बताया कि यन पी डी एन, तो यन से चलिए पी पे जाइए, पी से चलिए डी पे जाइए, डी से फिर यन पे आ जाइए, तो ये वाला जो भाग है वो अल्फा के लिए है, ठीक है, और इसी तरह बीटा के लिए क्या होगा, यन से चले डी पे गए फिर के से होते हुए फिर यन पे आ गए, तो ये लघु वृत्त खंड जो है ये बीटा का एक अंतर वृत्त खंड है। सबको अब क्लियर है कि नहीं? हाँ सृजन जी कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं अभी। हाँ रविंद्र वर्मा जी बोल रही है सर, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हिमांशु जी करे एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छा, हिमांशु जी को आज अच्छे से समझ में आ गया। हाँ सृजन जी ने कमेंट करके बता दिया कि यस सर समझ में आ गया। तो ये क्या था, 12 पॉइंट था। अब हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं छोटा सा, कहे ना आ तो सबको रहा होगा लेकिन एक एक पॉइंट हम लोग एक एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। सबने सुना होगा क्या छेदक रेखा, क्या छेदक रेखा क्या होती है, तो कोई वृत्त है छेदक रेखा, छेदक रेखा का नाम सबने सुना होगा, ये क्वेश्चन में दे भी देता है नहीं भी देता है तो आप अपने नॉलेज के लिए रख रहिए छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या होती है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसको कोई रेखा बाहर से क्या करे क्रॉस करते छेदते हुए इसको निकल जाए, तो जो रेखा वृत्त को छेदते हुए निकल जाती है उसी को हम लोग नाम दिए हैं छेदक रेखा का। हो सकता है एक ये हो और दूसरा ये भी हो, ठीक है, तो बाहर वाला हम लोग नहीं दिखाते हैं केवल अंदर का दिखाते हैं, अगर ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, ये ए बी है और सी डी, तो छेदक रेखा क्या है, ए बी एक छेदक रेखा हो गई और दूसरी छेदक रेखा क्या हो गई सी डी, और भी हो सकती है बहुत सारी हो सकती हैं। आयुब अली जी कह रहे हैं यस सर सुना है। हाँ नीले जी कह रहे हैं गोला, तो गोला भी पढ़ा दिया जाएगा, एक एक चीजें देखिए एक एक चीजें सीखेंगे ना, हमने क्या बोला बहुत ज्यादा, अगर आप एक ही दिन में सोच रहे हैं सीख ले तो बुक आपके पास है, आप नॉलेज लेते रहिए और साथ में जो मैं बता रहा हूँ वहां से थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहिए। मैंने तो बोला है दो बार मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हुए, ठीक है, तो 13 पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझे। अब अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको इरेज कर लेने दीजिए और फिगर को आप लोग बार बार बनाते रहिए, जितनी बार बनाएंगे, जैसे त्रिभुज में था ट्रायंगल में था हमने फिगर बहुत बार बनाया था,
आप लोग भी फिगर को बनाते रहिए, इससे ये मत सोचिए क्या कि पेज हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या कुछ भी। वो आपको क्या है ना, माइंड का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, जिस चीज़ को बार बार देखता है उसको लंबे समय तक याद रख लेगा। तो जब आप बार बार बनाएंगे सी डी ए बी क्रॉस करते रहेंगे तो माइंड को वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। चलिए अच्छी बात है। तो 13 पॉइंट क्लियर है। अब एक पॉइंट हम लोग और सीखेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो हाँ बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन से पूछते हैं, चौथा पॉइंट जो होगा वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि दो वृत्त हैं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, दो वृत्त हैं एक दूसरे को अगर स्पर्श कर रही हैं, चलिए ठीक है आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो इन वृत्तों से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक क्वेश्चन यहां से आता है, 4 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा। कमेंट करके बताइए कि दो स्पर्श करती हुई वृत्तों से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखते हैं किसको पता है। हाँ बाह्य स्पर्श, और ये बाह्य है, बाह्य स्पर्श, बाहर स्पर्श कर रहा है ना, क्योंकि वृत्त के बाहर स्पर्श, तो बाह्य स्पर्श। तो कितनी यहां पे लाइन खींची जाएंगी जो स्पर्श रेखा होंगी। हाँ सबने बोला 2 और 3, 2 बोल रहे हैं, कौन सूरज कुमार 2 बोल रहे हैं, आर्य जी बोल रहे हैं 2 होगा, मनीष गौतम जी ने 3 बताया, सोमन सिंह ने 3 बताया है, और खुशी पांडे ने 3 बताया है। तो 3 और 2 कैसे होगा, कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए अच्छा, सौरभ सरोज जी कह रहे हैं कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो नहीं होगा, कैसे होगा, आप कितना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, कितनी बार भी खींच लीजिए रेखा, केवल और केवल 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। 3 से ज़्यादा आप किसी कीमत पे नहीं खींच सकते हैं। अगर दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो कैसे, पहली रेखा कहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से, हो सकता है ऐसे लाइन जाए और यहाँ से स्पर्श करते हुए जाए, तो पहली रेखा यहाँ से ये हुई स्पर्श रेखा, एक यहाँ से खींच सकते हैं, दूसरी क्या, ये पहली हो गई, ठीक है, दूसरी हो सकता है इधर से कहीं स्पर्श करते हुए इसको स्पर्श करके यहाँ, देखिए यहाँ पे भी स्पर्श किया, यहाँ पे भी किया, मतलब दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो यही तो है स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। चलिए इसको हम पहली दूसरी न लिख के नाम लिख देते हैं कि ये स्पर्श रेखा ए और बी है, ये स्पर्श रेखा सी और डी है, और तीसरी कहाँ हो गई, तीसरी कहाँ होगी, तो तीसरी यहाँ पे होगी, इसके सेंटर पे ठीक बीचों बीच अगर स्पर्श कर रही है तो यहाँ से भी एक रेखा गुजरेगी, ठीक है, फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ से तीसरी यहाँ से जरूर जाएगी, तो इसका नाम होगा ई एफ दे दीजिए। तो 3 से अधिक आप नहीं खींच सकते, कितना हो भी कोशिश कर लीजिए। तो लाइन का हमें नहीं पता है हिमांशु जी, ये लाइन कहाँ तक जाती है इससे नहीं पता है, इन दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है कि नहीं, यहाँ भी स्पर्श की और यहाँ पे भी स्पर्श की, तो क्वेश्चन यही पूछता है कि दो बाह्य स्पर्श करते हुए वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन में होगा 1, 2, 3, 4, तो जहाँ पे 3 होगा आप उसको टिक कर देंगे। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ सृजन जी कह रहे हैं कि अरे जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन होता है और हम किस लिए है, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। चलिए तो 14 नंबर पॉइंट क्लियर है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया ना, तो ये माइंड में रखिएगा, कभी कन्फ्यूज आपको प्रूव करके मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। आपने फिगर में या क्वेश्चन में याद किया होगा अलग बात है, आपको चीज़ें क्या है एकदम विजुअलिटी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन कब, जब बाह्य स्पर्श वृत्त हो, अंत स्पर्श वृत्त हो तब क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर
अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अंतः स्पर्श वाले दो वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? और मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे तो लाइक बनता है क्योंकि आपके लिए बहुत ही प्रीमियम वाली वीडियो हम लोग लेके आए हैं, जिसका बहुत सारे वेबसाइटों पे आपको पे करना पड़ता है। लेकिन हमारा पर्पज है हर स्टूडेंट हो, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीखने को मिले, पढ़ने को मिले। और एक से डेढ़ महीने जो आपके एग्जाम बचे अभी भी कंटिन्यू हमारे साथ बन जाएंगे ना, तो 100% गारंटी है आप। हाँ, मनीष गौतम जी बोल रहे हैं दो होगा, अंकित मौर्य जी बोल रहे एक होगा, ऋषु सोनी जी का दो आया, वासु ठाकुर जी का वन आ रहा है, तो वन और दो कंफ्यूजन है इसमें भी, बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। एक और दो में कंफ्यूजन क्यों है? हिमांशु जी बोल रहे हैं कि दो होगा, चलिए देखते हैं। आर्या जी भी बता रही हैं कि दो होगा, और चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो आपको बताऊंगा ही। चलिए ठीक है, देखिए दो अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त, तो पहले दो वृत्त तो बना लो जो अंतः स्पर्श कर रहे हो। तो दो वृत्त अंतः स्पर्श कब करेंगे? आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अंतः स्पर्श ये तो बाहर बाहर था, अंतः स्पर्श मतलब एक वृत्त ये होगा और एक वृत्त इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही एक वृत्त होगा जो स्पर्श करेगा। अंतः स्पर्श का मतलब यही हुआ, एक वृत्त ये है और एक ये है, ठीक है? तो दो वृत्त ये हो गई अंतः स्पर्श कर रही हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब बताइए, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो भी निकल जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो भी। दोनों स्पर्श रेखा का मतलब क्या, ये बड़े वाला बाहर का जो वृत्त है और ये अंदर वृत्त, दोनों को स्पर्श करना चाहिए, तो केवल और केवल यहाँ से एक रेखा खींची जा सकती है जो इन दोनों को स्पर्श खींचेगी, ठीक है? केवल और केवल एक ही, इससे ज्यादा आप कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, कहीं से भी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो कितनी? एक स्पर्श रेखा है। हमेशा कान खोल के और हाथ मुंह धो के सब लोग लिख लीजिए, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पॉलिटेक्निक में और IRT में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो लोग पढ़े होंगे उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। अब सबको क्लियर है? हाँ, अंकित मौर्य जी बिल्कुल, खुशी पांडे जी कर रही है बिल्कुल, खुशी जी का स्वैग है भाई एक पे। चलिए आयु वाली जी भी, प्रशांत पांडे बिल्कुल, समझ में आया ना कैसे हो रहा है? हाँ, तो दो पे जो लोग कंफ्यूज थे अब क्लियर हुआ ना कि एक कैसे हुआ जी? बिल्कुल। एक पॉइंट और हम लोग सीख लेते हैं जहां से एक क्वेश्चन और आता है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16वां पॉइंट, ये 15 के लिए है फिगर, ये 14 के लिए है और 15 के लिए इधर हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा और देखते हैं सबसे पहले और करेक्ट आंसर किसका आता है, ठीक है सभी लोग? हाँ, सोमेश जी करे जी, गुरु जी राइट। अब आप बताइए कि परस्पर स्पर्श न करने वाले, परस्पर स्पर्श न करने वाले मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न कर रहे हो, तो दोनों वृत्तों पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ध्यान से सुनिए, ये दोनों, ये तो बाह्य स्पर्श कर रहा था, ये अंतः स्पर्श कर रहा था। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न कर रहे हो, तो आपको यही बताना है कि परस्पर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हो, तो उन दोनों वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दोनों को स्पर्श करें। हाँ, मनीष गौतम कह रहे हैं एक ही सर जी, बिल्कुल देखते हैं मनीष गौतम जी। उमा शंकर जी बोल रहे हैं दो, खुशी पांडे जी बता रहे हैं दो होगा, ऋतिक पांडे जी बोले हैं दो होगा, हिमांशु गुप्ता जी का भी दो, प्रशांत पांडे जी का चार आया है, क्यों भाई चार कहाँ से ला दिए? पीयूष यादव जी भी चार ला दे रहे हैं। हाँ, तो एक और दो पे मैक्सिमम वोटिंग जा रही है। चलिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का है, ये तो मजा आ जाएगा आज, और सारी चीजें एक जगह 16 पॉइंट में अगर लिखवाया हूँ तो आपके कॉपी पे होना चाहिए और अच्छे से होगा क्या, एग्जाम के पहले केवल एक बार आप देख के जाएंगे कि हाँ
सारी चीजें क्लियर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों ने गलत दिया है, और सृजन त्रिपाठी का, वासु ठाकुर जी का, अंकित मौर्य, आयु अली और प्रशांत पांडे जी ने, और जिन्होंने चार दिया है ऑप्शन, फोर स्पर्श रेखा, उनका करेक्ट है। फिगर क्या बनाएंगे? फिगर बना लीजिए, दो वृत्त बनाइए जो एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श ना करे। ये बाह्य स्पर्श कर रहा था, ये अंतः स्पर्श कर रहा था, और ये एक दूसरे को स्पर्श कर ही नहीं रहे हैं। तो आपको बताना है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है? तो स्पर्श रेखा देखिए, पहली स्पर्श रेखा खींच के दिखा रहा हूं, यहां से यह मतलब यहां से एक लाइन जाएगी इन दोनों को स्पर्श रेखा, स्पर्श करते हुए निकली ए और बी, पहली हुई। इसी तरह इधर भी होगा, एक यहां से होगा, होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, एक यहां से होगा। चलिए इसको स्पर्श कराते हुए ले जाइए, कंडीशन के अनुसार करेंगे, ठीक है? तो दूसरी स्पर्श रेखा क्या हुई, सी और डी, ठीक है? दो तक तो ठीक है, दो तक तो ठीक है, और तीसरी कैसे होगी और चौथी कैसे होगी? यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि तीसरी और चौथी कैसे होगी। देखिए तीसरी कहां से जाएगी, अब यहां से खींचिए एक स्पर्श रेखा, ऐसे क्रॉस कीजिए जो इसको भी और इसको भी क्रॉस करते हुए निकले, ठीक है? ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा और निकली जो कहां, यहां पे अगर मान लेते ए बी सी डी हो गया, ई पे यहां पे स्पर्श की, और इसको कहां पे स्पर्श की है, यहां पे पॉइंट मान लेते एफ पे यहां पे की, तो तीसरी रेखा हुई ना। आप फिगर बनाइएगा, इसको क्या कीजिए, या तो वृत्त को थोड़ा सा छोटा बनाइएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? तो तीसरी स्पर्श रेखा यहां से गई, और चौथी कहां से जाएगी, सेम इसी तरह जाएगी यहां से, ठीक है? इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, तो चौथी लगभग यहां से ऐसे क्रॉस करके जाएगी, ठीक है? आप एक वृत्त छोटा सा बनाइएगा यहाँ पे, तो एक यहाँ पे करेगी, मान लेते हैं एम पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट है एन है, तो चार स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है? तो लिख देंगे कि चार स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है? सबको क्लियर हुआ? हाँ, उत्कर्ष काका जी बोले यह सब समझ में आ गया, हिमांशु जी भी, हाँ चलिए चटक लाइन भी खींच देते हैं। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो एक क्या कीजिए, मैंने कहा था ना छोटा वृत्त बनाइए, देखिए यहाँ पर रफ के लिए केवल आपके लिए बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा वृत्त बनाइए और छोटा कर दीजिए, ठीक है? हाँ, फिर से समझिए कि चार कैसे हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरी तो ये हुई, ठीक है? तीसरी क्या हुई, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो एक यहां से गई, एक यहां से गई, और एक यहां से होकर जाएगी, ठीक है? और एक इसी तरह यहां से, अब देखिए अब क्लियर है, ये स्पर्श करती हुई ऐसे निकल जाएगी, मतलब अंदर कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी, और ये वाली भी इसी तरह क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। तो चार, पहला दूसरा तीसरा और चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सबको क्लियर है ना, और समझ में आ रहा है? अगर मजा आ रहा था समझ में आने में पढ़ने में तो लाइक जरूर कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि एक जगह अब आपकी सारी चीजें हो गई। और यहाँ से आगे हम लोग क्या सीखेंगे, ये तो केवल ओवरव्यू था, ट्रेलर था, कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग मूवी पूरी देखेंगे। क्या रहेगा मूवी में, वृत्त से बहुत सारे थ्योरम होते हैं, प्रमेय होते हैं, जिसका आपका यूज करना होता है आपके क्वेश्चन में। जी बिल्कुल, पीडीएफ सेंड हो जाएगा। तो आज समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए कि जो 16 पॉइंट हमने बताया है, 16 को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, 16 पॉइंट को, और कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए सेव होना चाहिए। उमा शंकर जी बोले यस सर क्लियर है। हाँ अनामिका जी यस सर, जी बिल्कुल। सूरज कुमार बोल रहे हैं हाँ सर। हाँ खुशी जी कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है गाइस। जी बिल्कुल, अगर यहाँ तक अगर आप सही गए हैं तो कल हम लोग
पूरा प्रमेय होता है, लगभग 15 से 20 प्रमेय है जो काम के होते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, हम लोग सीखेंगे उसको अच्छे से। और देखिए मेरे पढ़ाने के बाद आपको क्या लगेगा, जरूर फील होगा कि यार चीज़ें आसान होने लगती है, चीज़ें क्या होती है आसान होने लगती है। और यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, एकदम माइंड में रख लीजिए बिल्कुल। तो जितने लोग नए हैं ना, इसी तरह हम लोग हमेशा वीडियो आपको देते रहेंगे जब तक आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो भी प्रॉब्लम होता है पूछिए या वीडियो में कमेंट करके पूछिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। चाहे 12 बजे रात को भी आप पूछेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो और 3 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है जो कि वेरी स्पेशल है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, किसी को कम नहीं समझना है। वो लोग गलती कर देते हैं जो मैथ को खूब पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कम ध्यान देते हैं। तो केमिस्ट्री अगर 100 नंबर दे रहा है तो 100 नंबर सोचो किसको नहीं लेना पसंद करेगा, सबके लिए जरूरी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग जरूर आइए। और मैथ को तो मैं एकदम आपको क्या कर दूंगा, दोस्त बनवा दूंगा आपका, एकदम आपका दोस्त हो जाएगा, एकदम आसान से लगने लगेगा, समझ में आएगा। हाँ, सूरज कुमार, अनामिका जी कर रहे हैं, यस सर। हाँ, उमा शंकर, 14, 15, 16, 12 नंबर है, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है, समझ में आया। तो हाँ देखिए, इसी तरह हम लोग आपको पढ़ाएंगे। और देखिए एक ही बार में कोशिश कीजिए, मत कूदिएगा मत कभी, यहाँ करे वहां करे, बुक से पढ़ लें, जहां से भी पढ़िएगा एकदम बेसिक से पढ़िएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, अगर आपको आ रहा है तब कीजिए, नहीं आ रहा है तो पहले पूरी चीजें सीख लीजिए उसके बाद। और लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी आपसे रिलेटेड इसी तरह के हम लोग वीडियो दे तो आपके पास पहुंचे। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपके लिए।